हेलो लर्नर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टू द पॉइंट लर्निंग। आज मैं आपके साथ क्लास 12 फिजिकल एजुकेशन का ट्रेनिंग इन स्पोर्ट्स का नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करने जा रही हूँ, जिसमें मैं आज स्पीड क्या होता है, उसका मीनिंग क्या है और कितने टाइप्स के स्पीड होते हैं, वो सब कुछ इस वीडियो में डिस्कस करूंगी। बट उससे पहले अगर आपने इस चैप्टर से रिलेटेड बाकी टॉपिक्स के वीडियोज नहीं देखे हैं तो उनके लिंक आपको मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, तो आप उन्हें जरूर देख लें ताकि आपको ओवरऑल आइडिया हो जाए। टॉपिक जो पूरा चैप्टर है आपका, वो शॉर्ट में आपको एक्सप्लेन वहां मैंने किया है, तो किस तरीके से चैप्टर को शॉर्ट में समझना है वो आपको आइडिया हो जाए। और साथ ही साथ मैंने एक सीरीज बनाई है जिसमें मैंने चैप्टर्स जो हैं उनसे रिलेटेड जो क्वेश्चन आंसर्स हैं वो भी डिस्कस किए हैं, तो आप उनके स्क्रीनशॉट लेकर अपने नोट्स वगैरह तैयार कर सकते हैं फॉर योर बोर्ड प्रिपरेशन, क्योंकि आपका बोर्ड नेक्स्ट मंथ से ही स्टार्ट हो रहा है या कुछ बच्चों का ऑलरेडी स्टार्ट हो गया है, तो इसके लिए प्रिपरेशन आपकी जरूरी है, जिसके लिए आप वो सीरीज जरूर देखिएगा। और जो मैं यहाँ स्मॉल टॉपिक्स डिस्कस कर रही हूँ चैप्टर का समरी देकर, तो उसे भी आप जरूर देखिए। तो हम बात करते हैं ट्रेनिंग इन स्पोर्ट्स के नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज स्पीड की। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं कि स्पीड का मीनिंग क्या होता है। इट इज द एबिलिटी टू कवर डिस्टेंस इन मिनिमम पॉसिबल टाइम। अगर हम स्पीड की बात करें तो आप मिनिमम पॉसिबल टाइम में, कम से कम टाइम में किसी डिस्टेंस को कवर करने की कोशिश करते हैं, तो ये चीज आपकी क्या शो करता है, वो एबिलिटी आपकी क्या शो करता है, स्पीड को दिखाता है। सच एज कवरिंग अ डिस्टेंस इन द शॉर्टेस्ट टाइम। इन सिंपल वर्ड्स इट मीन्स कैपेसिटी ऑफ अ मूविंग बॉडी पार्ट और द होल बॉडी विद द ग्रेटेस्ट पॉसिबल वेलोसिटी। यानी आपकी एक स्पीड है, आप जितना ज्यादा ग्रेटेस्ट वेलोसिटी लगा सकें उस वेलोसिटी से आप क्या कर रहे हैं, आप अपनी होल बॉडी में वो वेलोसिटी इंजेक्ट करके किसी भी बॉडी को मूव कर रहे हो अपनी फुल कैपेसिटी के साथ, तो दैट इज व्हाट स्पीड। इन अदर वर्ड्स, अगर सिंपल वर्ड्स में हम कहें तो क्या होता है, इट इज द एबिलिटी टू डू वर्क फास्टर। आप किसी भी काम को बहुत तेजी से कर रहे हो तो यानी ये क्या शो कर रहा है, ये आपकी स्पीड दिखा रहा है। अकॉर्डिंग टू बैरो एंड मैगी, स्पीड इज द कैपेसिटी ऑफ एन इंडिविजुअल टू परफॉर्म सक्सेसिव मूवमेंट्स ऑफ द सेम पैटर्न एट अ फास्ट रेट। स्पीड एक ऐसी कैपेसिटी है जिसमें एक इंडिविजुअल, एक पर्सन जो है वो सक्सेसिव वे में, यानी धीरे धीरे अपनी स्पीड को बढ़ाता चला जाता है, मूवमेंट को बढ़ाता चला जाता है एक फास्ट रेट की ओर, तो ये चीज क्या है, स्पीड है। एक और डेफिनेशन देखते हैं, अकॉर्डिंग टू जॉनसन एंड नेल्सन, स्पीड इज डिफाइंड एज द रेट एट विच अ पर्सन कैन प्रोपेल हिज बॉडी, यानी कि अपनी बॉडी को वो फोर्स कर सकता है, प्रोपेल कर सकता है और पार्ट्स ऑफ हिज बॉडी थ्रू स्पेस, किसी एक स्पेस के थ्रू एक पर्सन अपनी बॉडी को सबसे ज्यादा स्पीड में या सबसे ज्यादा फास्टेस्ट जो उसकी कैपेसिटी है उसके हिसाब से वर्क करा सके किसी कोई पर्सन अपनी बॉडी को, तो वो चीज क्या कहलाता है, स्पीड कहलाती है। सो दीज आर दी टू डेफिनेशंस। नेक्स्ट हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ स्पीड की, कि टाइप्स ऑफ स्पीड आपकी कितनी है, तो बेसिकली आपकी थ्री टाइप्स ऑफ स्पीड है। पहला है रिएक्शन स्पीड, इट इज दी एबिलिटी टू रिस्पॉन्ड टू अ गिवन स्ट्यूमुलस एज क्विकली एज पॉसिबल। इसमें मेन वर्ड क्या है आपका, स्ट्यूमुलस। अगर आप किसी चीज में अपनी एबिलिटी लगा रहे हैं, आप किसी सामने वाले स्ट्यूमुलस को, कोई सामने से एक्शन आ रहा है और उसका आपने रिस्पॉन्ड किया है, तो ये चीज क्या है, इसको हम कहते हैं रिएक्शन स्पीड। लाइक गुड स्पीड इन स्प्रिंट, एक स्प्रिंटर की एक जो अच्छी स्पीड बनती है। स्पीड इन फील्डिंग, किसी फील्डिंग आप कर रहे हैं तो बॉल वगैरह आ रही है तो आप उसे पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं, तो वो भी चीज क्या है, सामने से कोई ना कोई एक्शन हुआ तब आपने उसका रिएक्शन दिया। चेजिंग अ बॉल, इट इज ऑफ टू टाइप्स, सिंपल एंड कॉम्प्लेक्स रिएक्शन स्पीड। दो तरह की हमारी रिएक्शन स्पीड होती है, सिंपल और कॉम्प्लेक्स। तो अगर हम बात करें रिएक्शन स्पीड क्या है, रिएक्शन स्पीड वो है जब सामने कोई स्टिमुलस आपको दिख रहा है और आप उसका रिस्पॉन्ड कर रहे हो, तो वो चीज क्या है आपकी, रिएक्शन स्पीड। दो तरीके की रिएक्शन स्पीड होती है, यानी दो वे में हम अपनी सबसे ज्यादा रिएक्शन स्पीड को अप्लाई करते हैं। एक है सिंपल रिएक्शन स्पीड, मींस रिएक्शन टू नोन सिग्नल, यानी जिन सिग्नल्स को आप ऑलरेडी जानते हैं कि अभी हमें मिलने ही वाले हैं सिग्नल और हम तुरंत उस पर रिएक्ट करें अपनी फुल स्पीड से, तो ये चीज क्या है, सिंपल रिएक्शन। जैसे आपको दिया गया है गन शॉट एट द स्टार्ट ऑफ द स्प्रिंट रेस, गन को तुरंत शूट किया गया ताकि आपको वो एक इंडिकेटर है कि अब आपको तेजी से दौड़ना है, तो आप उसके बारे में जानते हैं कि अब जैसे ही गन शॉट करेंगे तैसे हम दौड़ेंगे, तो ये चीज क्या है, ये नोन सिग्नल है जो आपको दिया गया, जिस सिग्नल के बारे में ऑलरेडी आप जानते हैं और उसके लिए आप मेंटली और फिजिकली प्रिपेयर हैं, तो वो चीज क्या कहलाती है, सिंपल रिएक्शन। कॉम्प्लेक्स रिएक्शन क्या हो जाता है, स्पीड मीन्स रिएक्शन टू अननोन सिग्नल। अननोन सिग्नल से मतलब क्या हो गया, कि
अचानक से कोई सडन ऐसा मूवमेंट हुआ जिसका आपने स्पीड में रिस्पॉन्स किया, तो ये चीज क्या कहलाती है? कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। जैसे फेसिंग अ बॉल इन क्रिकेट, आपने क्रिकेट में सामने जो बॉल आ रही है उसका रिस्पॉन्ड किया, आपको नहीं मालूम था कि इस तरीके से बॉल आएगी, या फिर आपको नहीं मालूम था कि ये रिएक्शन इधर क्यों इधर आपकी ओर देगी कि दूसरी साइड बॉल जाएगी, लेकिन आपने तुरंत उसका रिएक्ट किया। वो एक अननोन सिग्नल था, कोई प्री प्लान नहीं था कि बॉल इधर ही आएगी आपकी ओर, तो ये चीज क्या हो गई? दिस इज व्हाट कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। तो ये दो तरह की आपकी रिएक्शन स्पीड होती है। सेकेंड टाइप ऑफ स्पीड की बात करते हैं, मूवमेंट स्पीड। इट इज द एबिलिटी टू डू अ सिंगल मूवमेंट इन द मिनिमम टाइम। कम से कम टाइम में आप एक सिंगल मूवमेंट करें तो वो चीज क्या कहलाती है? मूवमेंट स्पीड। यानी कि एकदम से आपने अपनी फोर्स किसी चीज पर, या मैं कहूं एकदम से स्पीड में बिल्कुल आपने कोई तेजी से काम किया, तो वो चीज क्या कहलाएगी? मूवमेंट स्पीड। जैसे जंपिंग, आप कूद रहे हो तो उसमें भी आपकी स्पीड झलकती है ना, कि आपने बिल्कुल एकदम से अपना इनपुट दिया, एकदम से स्पीड को पकड़ा और तब आपने रिएक्ट किया। जंपिंग हो गया, थ्रोइंग हो गया, कस के आपने बॉल को फेंका, किकिंग, बॉक्सिंग, जिम्नास्टिक, ये सारी चीजों में आप क्या करते हैं? स्पीड मेंटेन करते हैं। तो इसको हम क्या कहेंगे? मूवमेंट स्पीड कहेंगे, जिसमें आप एकदम से रिस्पॉन्ड करते हो, एकदम से आप, हम कहें तो आपने किसी चीज में अपनी स्पीड को बिल्कुल इंजेक्ट कर दिया सडनली, तो ये चीज क्या कहलाती है? मूवमेंट स्पीड कहलाती है। इट डिपेंड्स अपॉन टेक्निक, एक्सप्लोसिव स्ट्रेंथ, फ्लेक्सिबिलिटी, कोऑर्डिनेटिव एबिलिटीज। मूवमेंट स्पीड को बनाए रखने के लिए या मूवमेंट स्पीड दिखाने के लिए कई सारी चीजें रिस्पॉन्सिबल होती हैं, जैसे आपकी टेक्निक क्या है, एक्सप्लोसिव स्ट्रेंथ आपकी कितनी है, फ्लेक्सिबिलिटी आपके शरीर में कितनी है, आप कितना अच्छा कोऑर्डिनेट कर लेते हो, आपकी कोऑर्डिनेटिव एबिलिटीज कितनी अच्छी है, ये सारी चीजें आपकी मूवमेंट स्पीड को शो करता है। आपकी जंप है या आपका बॉल थ्रो करना है, इन सारी चीजों, ये सारी चीजें तभी उतनी अच्छी हो सकती हैं जब ये सारे फैक्टर्स आपके बहुत ज्यादा अच्छे हों, या इन सारे फैक्टर्स पे आपका कमांड हो, तो मूवमेंट स्पीड पे भी कमांड ऑटोमेटिकली हो जाता है। देन आते हैं लास्ट टाइप ऑफ स्पीड के बारे में, एक्सेलरेशन स्पीड। नाम से कि पहले कम स्पीड है और धीरे धीरे हम उसे एक्सेलरेट कर रहे हैं, धीरे धीरे उसे इंक्रीजिंग ऑर्डर में स्पीड को बढ़ा रहे हैं। तो इट इज द एबिलिटी टू अचीव मैक्सिमम स्पीड इन शॉर्टेस्ट पॉसिबल टाइम। कम से कम टाइम में आप सबसे ज्यादा मैक्सिमम स्पीड धीरे धीरे अचीव करने की कोशिश करते हैं, तो ये चीज क्या शो करता है? एक्सेलरेशन स्पीड। दिस फॉर्म ऑफ स्पीड डिपेंड्स अपॉन एक्सप्लोसिव स्ट्रेंथ। यहाँ पे भी हमारी एक्सप्लोसिव स्ट्रेंथ यूज होती है, हमारे मूवमेंट की फ्रीक्वेंसी कैसी है, कितने एक फ्लेक्सिबल वे में हम किसी मूवमेंट को परफॉर्म कर रहे हैं, ये हमारी टेक्निक क्या है, ये सारी चीजें एक्सेलरेशन स्पीड को डिसाइड करती हैं कि हम धीरे धीरे कहाँ तक अपनी मैक्सिमम स्पीड को अचीव कर पाएंगे। दिस एबिलिटी इज इम्पॉर्टेंट इन स्विमिंग। किस तरह के स्पोर्ट्स में इस तरह की स्पीड हमारी जरूरी होती है? स्विमिंग, हॉकी, फुटबॉल, जिमनास्टिक एक्सेट्रा, इन सारी चीजों में हम अपनी स्पीड को एक कम इनिशियल स्पीड से स्टार्ट करके धीरे धीरे स्पीड को बढ़ाते हैं, तो दैट इज वॉट एक्सेलरेशन स्पीड। तो ये तीन टाइप की स्पीड्स होती हैं जो आपके स्पोर्ट्स में हैं, जिसमें आपको दोबारा से अगर मैं बताऊं, रिएक्शन स्पीड हो गया, सामने वाले ने कुछ एक्शन दिखाया जिसका आपने पलट के रिस्पॉन्स किया, तो ये चीज क्या हो गई? रिएक्शन स्पीड। तो कितनी जल्दी आप रिस्पॉन्स कर लें, दैट इज व्हाट रिएक्शन स्पीड। मूवमेंट स्पीड क्या हो गया? कि आपने एकदम से सिंगल मूवमेंट में, यानी एकदम एक ही चीज पर एकदम से फोर्स आपने लगाई, बहुत तेजी में किसी काम को किया आपने, तो दैट इज व्हाट मूवमेंट स्पीड। और लास्ट है एक्सेलरेशन स्पीड, यानी आपने कम स्पीड से शुरू किया और धीरे धीरे आप अपनी मैक्सिमम स्पीड पर पहुंच गए उस काम को करते करते, तो वो चीज क्या शो करता है? आपकी मैक्सिमम एक्सेलरेशन स्पीड को। तो दीज आर दी थ्री टाइप्स ऑफ स्पीड। आई होप आपको ये स्पीड का मीनिंग और स्पीड के टाइप्स क्लियर होंगे। नेक्स्ट क्लास में मैं आपको ट्रेनिंग मेथड फॉर स्पीड डेवलपमेंट बताऊंगी कि किस मेथड से हम अपनी स्पीड को डेवलप कर सकते हैं, उसके लिए अलग अलग ट्रेनिंग मेथड्स कौन कौन से हैं, तो आगे की वीडियो जरूर देखिएगा। और इस वीडियो में भी अगर आपको सब कुछ समझ में आया है तो लाइक का बटन जरूर क्लिक करें। बाकी अगर आपके कोई सजेशन है या आपका कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर मेंशन करिए, मैं उसका रिस्पांस करने की कोशिश पूरी करूंगी। बाकी चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, बेल आइकन पर क्लिक करिए ताकि आपको लेटेस्ट नोटिफिकेशन मिले। और आपके एग्जाम के लिए ऑल द बेस्ट। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।